हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडे स्नैक्स। आज मैं आप लोग के लिए लेके आ चुकी हूँ सोया चाप बनाने की रेसिपी। तो ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है। आज हम इसे बनाएंगे एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल में। सेम वही टेस्ट आएगा, सेम वही टेक्सचर के साथ। तो ये घर पे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगी, सेम रेस्टोरेंट वाला टेस्ट देगी। तो चलिए देखते हैं आज हम कैसे बनाएंगे सोया चाप्स। इन्हें बनाना बहुत ही ज़्यादा ईजी होता है, तो इन्हें बनाएंगे हम रेस्टोरेंट स्टाइल में। तो चलिए शुरू करते हैं। सोया चाप बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पे ले ली है चॉप्स। तो हमने यहाँ पे 6 से 7 चॉप्स ले ली है। ये मार्केट में आसानी से अवेलेबल हो जाती है, आप चाहें तो टिन वाली भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमने ले ली। अब क्या करेंगे, इसे हम स्टिक से अलग कर देंगे, क्योंकि हम अगर सोया चाप बना रहे हैं वो भी मलाई वाली, तो इसे हमें बाद में कट करना पड़ेगा। तो इसलिए सबसे पहला स्टेप होता है कि हम इसे स्टिक से अलग कर दें। तो चलिए इसे स्टिक से अलग कर देते हैं। थोड़ा सा प्रेशर देंगे ना तो ये अपने आप बाहर आ जाएगी, ये देखिए। तो चलिए इसी तरह से सारी चॉप्स को अलग कर देते हैं स्टिक से। अब क्या करेंगे, इन चॉप्स को पहले साइड में रख देते हैं। अब यहाँ पे हम एक पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो हमने यहाँ पे ले लिए थोड़े से धनिया पत्ती और 3 से 4 कटी हुई हरी मिर्च। अगर आपको सोया चाप काफ़ी ज़्यादा तीखी चाहिए तो आप यहाँ पे 5 से 6 हरी मिर्च डाल दीजिए। साथ में हमने यहाँ पे 15 से 20 काजू डाल दिए हैं, जो हमने 1 घंटे से भिगो के रखे थे, और इसका पानी भी हमने यहाँ पे साथ में डाल दिया है। तो चलिए इसका जो पेस्ट है वो हमने यहाँ पे तैयार कर लिया है। अब क्या करेंगे, इसे भी साइड में रखेंगे। अब हम यहाँ पे ले लेंगे एक बाउल और इसके अंदर तैयार करेंगे हमारा मैरिनेशन, जिसके अंदर हम हमारी चाप को भिगो के रख देंगे। तो क्या करेंगे, इसमें डालेंगे 1/2 कप दही। ज़रूरी नहीं है दही एकदम थिन हो या थिक हो, कैसा भी दही आपके घर पर अवेलेबल हो आप वो यूज़ कर सकते हैं। साथ में हमने यहाँ पर फ्रेश क्रीम ले ली है, तो फ्रेश क्रीम की जगह आप यहाँ पर मलाई भी ले सकते हैं, क्योंकि मलाई चाप है तो बोथ कैन बी यूज्ड। तो 1/2 कप हमने यहाँ पर फ्रेश क्रीम डाल दी है। साथ में अभी हम यहाँ पर डाल देंगे 1/2 टीस्पून नमक, और अब यहाँ पर डाल देंगे 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप अदरक लहसुन का पेस्ट होममेड ही यूज़ करें, बाहर का रेडीमेड यूज़ ना करें। उसमें इतना अच्छा फ्लेवर नहीं आता है जितना होममेड वाले में आता है। साथ में 1/2 टीस्पून हमने यहाँ पर गर्म मसाला डाल दिया, और अब यहाँ पर हमारा काजू, हरी मिर्ची और धनिया वाला पेस्ट डाल देंगे। अब इन सारी चीज़ों को ना पहले अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो चलिए अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब हम यहाँ पर डाल देंगे 1 टीस्पून नींबू का रस। तो ये लगभग 1 पूरे नींबू का रस हमने यहाँ पर डाल दिया है। अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे, और अब बस यहाँ पे हम डाल देंगे धनिया। तो एकदम बारीक कटा हुआ धनिया डाल दिया, इसे हल्का सा मिक्स करेंगे। और ये जो हमारा मैरिनेशन है वो बिल्कुल तैयार है। तो बस अब इसमें हम डाल देंगे हमारी चॉप्स, ये लीजिए। इस तरह से सारी चाप्स इसके अंदर डाल देंगे। अब एक बार ध्यान रखिए, डालने के बाद इसे एक बार फिर से पलटा लें, ताकि दोनों साइड पे अच्छी तरह से हमारा मैरिनेशन लग जाए। देखिए एक बार डाल के हमने इसे पलटा लिया, तो अब दोनों साइड पे जो अच्छी तरह से मैरिनेशन लग जाएगा। तो चलिए अब क्या करते हैं, इसे ढक के 1 से 1.5 घंटे के लिए रख देंगे। मिनिमम 1 घंटा तो आप इसे रखें ही, ताकि चॉप के अंदर अच्छे से सारा मैरिनेशन का फ्लेवर आ जाए। तो 1 से 1.5 घंटे बाद हमने इसका ढक्कन हटा लिया, और ये जो हमारा मैरिनेट होके हमारा जो चॉप्स हैं वो एकदम तैयार है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं हम पैन की तरफ। तो पैन को हमने हाई फ्लेम पर ऑन कर दिया है। इसमें डाल देंगे 1 टेबल स्पून बटर। तो बटर को अच्छी तरह से मेल्ट कर लेंगे और पैन के चारों तरफ फैला लेंगे अच्छी तरह से। अब जैसे ही हमारा बटर मेल्ट हो गया, हम यहाँ पे डाल देंगे हमारी चॉप्स। अब इसे एक साइड से पका लेंगे। जब ये एक साइड से अच्छी तरह से रोस्ट हो जाए, यानी कि पक जाए, तो फिर हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। तो चलिए एक साइड से ही पक चुकी है, तो इसे पलटा के दूसरी साइड से पका लेते हैं। अच्छी तरह से दोनों साइड से जो हमारी चॉप्स है वो पक करके तैयार है। आप देख सकते हैं बटर भी अच्छी तरह से सोक हो चुका है इनमें। तो अब इन्हें निकाल लेते हैं। इसी तरह से हम हमारी सारी चॉप्स यहाँ पे बना करके तैयार कर लेंगे। तो हमने 2 बैच में यहाँ पे सारी चॉप्स बना के तैयार कर ली है। अब क्या कर लेते हैं, जैसे हमारे चॉप्स ठंडी हो जाएंगी ना, हम इसे कट कर लेंगे, क्योंकि मलाई चाप हमेशा कट हो के आती है। आप चाहे तो ये प्रोसेस आप मैरिनेट करने से पहले भी कर सकते थे, लेकिन तब हमने क्यों नहीं किया, क्योंकि अगर हम ये मैरिनेट करने से पहले करते तो रोस्ट करते वक्त हमारा जो प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता, क्योंकि हमें एक छोटी छोटी चाप को एक एक करके फ्राई करना पड़ता बटर में। इसीलिए हमने यहाँ पर इसे पहले नहीं किया, और अब हम यहाँ पर कट कर रहे हैं इसे।
चलिए हमारी चॉप्स कट होके तैयार है, तो अब पैन में डाल देते हैं 2 टेबलस्पून घी। घी जैसे ही मेल्ट हो जाएगा और गर्म हो जाएगा ना, हम यहाँ पे डाल देंगे 2 डाइस किए हुए अनियन। अनियन को हल्का सा हम यहाँ पे सॉटे कर लेंगे। हल्के से हमारे अनियंस यहाँ पे सॉटे हो चुके हैं, तो अब यहाँ पे डाल देंगे 2 डाइस की हुई शिमला मिर्च। इसे भी हल्का सा सॉटे कर लेंगे। दोनों वेजिटेबल्स हमारे यहाँ पे क्रंची रहनी चाहिए, इसलिए हम इसे बहुत ज़्यादा नहीं पकाएंगे, सिर्फ सॉटे ही करेंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ पे डाल देंगे हमारी चॉप की हुई चॉप्स। अब इसे भी हम यहाँ क्या करेंगे, 2 से 3 मिनट के लिए पका लेंगे। ध्यान रखें, चॉप्स को यहाँ पे पकाना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए, इन्हें भी हमने यहाँ पे 2 से 3 मिनट पका लिया है अच्छी तरह से मीडियम फ्लेम पे। तो अब यहाँ पे डाल देते हैं थोड़े से मसाले। तो हम यहाँ पे डाल देंगे 1/2 टीस्पून चाट मसाला, साथ में हम यहाँ पे डालेंगे 1/2 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर यानी कि ब्लैक पेपर पाउडर, साथ में 1/2 टीस्पून हम यहाँ पे नमक डाल देंगे। अब ध्यान रखें, नमक की क्वांटिटी हमें यहाँ पे ज़्यादा नहीं रखनी है, क्योंकि हमने मैरिनेशन में भी नमक डाला था, इसलिए नमक की क्वांटिटी सिर्फ 1/2 टीस्पून ही रखेंगे। अब हम चाहते तो ये मसाले जो हैं वो मैरिनेशन में भी डाल सकते थे, लेकिन मैरिनेशन में अगर हम ये डालते तो ये ओवर पावर नहीं करते, इसलिए हमने ये मसाले अभी डाले हैं इनको पकाते समय। तो चलिए, अच्छी तरह से मिक्स कर दिया। अब क्या करेंगे, हमारा जो मैरिनेशन बचा हुआ था ना, वो यहाँ पर डाल देंगे। साथ में 1/2 कप हम यहाँ पे डाल देंगे हमारी फ्रेश क्रीम। फिर से आप चाहे तो यहाँ पे अपनी घर की मलाई भी यूज़ कर सकते हैं। चलिए, फ्रेश क्रीम डाल दी। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब ये दोनों चीज़ डालने के बाद हमें इसे बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं पकाना है, सिर्फ 1 मिनट तक हम इसे लो फ्लेम पे पका लेंगे, जब तक कि इसमें हल्का सा बॉईल नहीं आ जाता तब तक के लिए बस। क्योंकि अगर मैरिनेशन डालने के बाद ज़्यादा पकाएंगे तो ये नीचे को स्टिक होने लगेगा। तो चलिए, इसमें एक बॉयल आ चुका है, बस अब इसके ऊपर डाल देंगे धनिया पत्ती। और ये लीजिए, जो हमारा मलाई सोया चाप है, घर पे एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल बनके तैयार है। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है, आप इसे किसी के भी साथ सर्व कर सकते हैं। आप चाहे तो इसे नान के साथ सर्व करें, पराठे के साथ सर्व करें, रुमाली रोटी के साथ सर्व करें, तंदूरी रोटी के साथ सर्व करें, ये सबके साथ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो गाइज़, ये रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। इसी के साथ में, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मुझे एक लाइक ज़रूर दे देना। साथ ही में, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियोस में आप मेरे ऐसी ऐसी अच्छी अच्छी रेसिपीज़ देख पाएँ। ओके, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।